बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है हमें ना रामानुजन नंबर निकालना है अब रामानुजन नंबर होता क्या है वो देख लेते हैं तो जब हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल हो सी के क्यूब प्लस डी के क्यूब के ठीक है और ये ना अलग अलग होने चाहिए मतलब अगर ए वन है तो सी वन नहीं हो सकता या बी वन नहीं हो सकता या डी वन नहीं हो सकता तो मतलब ये डिफरेंट होने चाहिए सब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है वन का क्यूब प्लस ट्वेल्व का क्यूब इज इक्वल्स टू नाइन का क्यूब प्लस टेन का क्यूब तो ये जो हमारे दोनों नंबर्स आ रहे हैं इधर और लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले वो दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या है हमारा एक रामानुजन नंबर है तो अब इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं तो हमें ना यहाँ पर डिफरेंट नंबर चाहिए ए का भी बी का भी सी का भी डी का भी तो हमने क्या करा है? एक फोर लूप चलाया यहाँ के लिए पहले ठीक है तो एक हमने फर्स्ट फोर लूप चलाया वन से थर्टी तक हम ना थर्टी तक चेक कर रहे हैं मतलब वन से थर्टी तक नंबर्स आ सकते हैं ठीक है ए की वैल्यू वन से थर्टी तक हो सकती है तो पहले मान लेते हैं हमने यहां पे ना ए की वैल्यू वन रख दी ठीक है तो अब हमें आगे वालों के लिए चेक करना पड़ेगा कि बी की वैल्यू टू भी हो सकती है थ्री भी हो सकती है भी 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 हो 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 सकती 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 है 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 ऐसी तक तो हमने एक फोल्ड लूप के अंदर दूसरा फोल्ड लूप चलाया मतलब वन के साथ सारे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि बी की वैल्यू अगर ए की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसी थर्टी तक हो सकती है तो हमने एक फोल्ड लूप के अंदर दूसरा फोल्ड लूप चलाया ठीक मतलब है तो तो यहां पे दूसरा फोर्ड लूप चलाया हमने बी के लिए ठीक है वन से थर्टी तक देन अगेन यहां पे वन आया यहां पे भी वन आया तो अब ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन तो सारे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं हमें सी की वैल्यू के लिए जब हमारे पास ए की वैल्यू वन हो बी की वैल्यू वन हो तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ये अब हमने ये बताया था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो ये भी हम कंडीशन अभी आगे लगाएंगे ठीक है तो अब की वैल्यू क्या क्या हो सकती है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसी हो सकती है थर्टी तक तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू आई टू यहाँ ले लेते हैं बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे थ्री तो जब ए की वैल्यू वन हो बी की वैल्यू टू हो और सी की वैल्यू थ्री हो तो हमें सारे डी के, के कॉम्बिनेशन देखने की क्या आ सकता है तो डी के साथ क्या क्या आ सकता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ऐसी थर्टी तक आ सकता है ठीक है तो अब सारे कॉम्बिनेशन थे तो हमने इसको भी फोर लूप के अंदर लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया C के लिए फोर लूप और एक D के लिए फोर लूप अब ये वाली कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं तो ये इफ कंडीशन है कि अगर A की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख लेते हैं A की वैल्यू अगर वन है तो B की वैल्यू वन नहीं हो सकती C की वैल्यू वन नहीं हो सकती और D की वैल्यू भी वन नहीं हो सकती तो यहाँ पे हमने क्या लिखा देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड a not equals to c and a not equals to d then b b इक्वल टू डी a की वैल्यू b से चेक कर ली अब b पे आए b की वैल्यू a के इक्वल नहीं होनी चाहिए c के इक्वल नहीं होनी चाहिए और d के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो b और a का तो हमने चेक कर लिया अब हमें b को किस किस के साथ चेक करना है b को c के साथ और डी के साथ तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी एंड b not equals to c and b not equals to d ठीक है b के लिए भी ले लिया हमने अब सी के ले लेंगे तो सी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए सी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए ए सी के इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पे हमने कंडीशन पहली ले ली और सी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए ये भी हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बची सी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए तो सी नॉट इक्वल टू डी तो हमारे पास सारी कंडीशन आ गई जिसमें चेक हो जाएगा कि कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो हमने लेफ्ट साइड में क्या है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो हमने क्या करा ए इंटू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू बी तो हमारे पास यहां से लेफ्ट साइड आ जाएगी अगेन फॉर राइट साइड सी इंटू सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी इंटू डी करेंगे तो यहां पे हमने ये कर दिया राइट right साइड के लिए अब अगर ये दोनों अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो वो क्या है रामानुजन नंबर है तो यहां पे हमने वही लिया कि लेफ्ट इज इक्वल टू इज इक्वल टू राइट तो हम क्या करेंगे उस नंबर को प्रिंट कर देंगे ठीक है और यहाँ पे हमने हमने लगा दिया तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया ए बी सी और डी मतलब यहां पे अगर हमारे पास नंबर आए वन ट्वेल्व नाइन और टेन तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे रमानुजन नंबर ठीक है अब इसको रन करके देख लेते हैं तो देखो यहां पे ना क्या हुआ तो यहाँ पे ये आगे हम जाके देखेंगे ओवरकम कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको बस रामानुजय नंबर बताने थे तो इस प्रोग्राम से हम रामानुजय नंबर बता रहे हैं ठीक है और क्या हो सकते हैं देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं जैसे ये नाइन फिफ्टीन सिक्सटीन और टू तो देखो यहाँ पे नीचे क्यूब सेवन ट्वेंटी नाइन फिफ्टीन का क्यूब थ्री थ्री सेवन फाइव सिक्सटीन का क्यूब फोर जीरो नाइन सिक्स और टू का क्यूब हो गया एट तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी इक्वल आ रही है तो ये क्या है हमारे पास रामानुजन नंबर है तो यही एक हमारा प्रोग्राम था रामानुजन नंबर निकालने का